के अंदर बीएमएस का मामला गरमाया हुआ है। हम आपको बता दें कि 20 अगस्त को जो है परीक्षाएं शुरू हुई थी और 30 अगस्त को खत्म हो गई थी। उसके बाद जो है कॉपी अदला बदली का मामला सामने आया, जिसके बाद जो है विश्वविद्यालय ने एक्शन लेकर जो ऑटो चालक था उसको जेल भेज दिया। जिसके बाद यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेते हुए एसटीएफ को जांच सौंप दी और एसटीएफ इस समय जांच कर रही है। और वहीं उस विश्वविद्यालय कुलपति का ये कहना है कि अगर जांच में कुछ मामले अगर सामने आते हैं कॉपी को लेकर तो परीक्षाएं निरस्त की जा सकती हैं। जिसको लेकर आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में बीएमएस की बड़ी तादाद में छात्र आए हुए, इनसे जानेंगे कि आखिर जो परीक्षाएं निरस्त करने की विश्वविद्यालय की बात कर रहा है उस पर आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरियम खान है। जी परीक्षाओं को लेकर निरस्त करने की बात विश्वविद्यालय कर रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारी परीक्षाएं निरस्त हों, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से एग्जाम दिए, 3-4 बार में तो बार बार स्कीम आई है, बार बार तो अब एग्जाम हुए जैसे तैसे अब कैंसिल करने की बात करना है सर, कैसे कैसे नहीं, इतना बड़ा मामला सामने आया कॉपी बदलने का, तो आपको विश्वविद्यालय जांच कर रहा है। जो जो लोग दोषी हैं सर उनको उनको उन पर कार्यवाही होने चाहिए ना, हम लोग तो निर्दोष हैं, हमने तो एग्जाम मेहनत से दिए, हमें छात्रों का कहना है कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई की होनी चाहिए और जो जिन छात्रों का कोई दोष नहीं है उनका जो है परीक्षा हो चुकी है और जल्द से जल्द प्रैक्टिकल की जो डेट है वो विश्वविद्यालय घोषित करे। जी भाई क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप यादव है, मैं बीएमएस 2017 बैच का छात्र हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बट परीक्षा निरस्त होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो अपनी मेहनत से एग्जाम दिया, हम उसमें दोषी नहीं है, जिन जो दोषी है उन पर कार्रवाई कीजिए आप, हमारा क्या कसूर है इसमें? हमने तो सभी कह रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो परीक्षा निरस्त करने की बात विश्वविद्यालय कर रहा है वो नहीं होनी चाहिए। जी भाई अर्शद अली नाम है मेरा, मैं बीएमएस का छात्र हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी जो दोषी हैं उन्हीं पे कार्यवाही हो, उनकी कॉपियों को सही तरीके से जांचें, परीक्षण करें उनका एसटीएफ या जो भी टीमें जांच कर रही हैं, उसके बाद जांच के बाद जांच में जो भी सामने आया कि भाई जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें उनके खिलाफ कार्यवाही हो, उनकी परीक्षाएं निरस्त हों या जो भी उनके विश्वविद्यालय प्रशासन जो है फैसला ले वो करे, लेकिन जो निर्दोष हैं उनके उनको उनके प्रैक्टिकल कराए जाएं और समय से उनका परीक्षा परिणाम दिया जाए और बच्चों को बच्चों के साथ जो है न्याय हो, अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए बच्चों के साथ। जी भाई साहब मेरा नाम पवन बघेल है, बीएमएस का छात्र हूँ। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग सभी लोग इसीलिए आए हुए हैं यहाँ पे कि हम लोगों के साथ में जो हमने पेपर दिए हैं उनका जल्द से जल्द परिणाम आए और जो बच्चे दोषी हैं उनके खिलाफ विश्वविद्यालय और जो पुलिस प्रशासन है वो कार्रवाई करे। आप देख सकते हैं इतना बड़ा मामला सामने आया है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और वहीं विश्वविद्यालय ने इस एक्शन को लेते हुए परीक्षा निरस्त करने की बात की है। बड़ी तादाद में छात्र आए हुए हैं और ज्ञापन भी इन्होंने कंट्रोलर को दे दिया है। अब देखना है कि क्या विश्वविद्यालय इनकी परीक्षा जो है निरस्त कराएगा या फिर जो है प्रैक्टिकल की डेट जो है वो जारी करेगा। जी भाई कैसी तैयारियां रही और किस तरीके का आपको लग रहा है कि इस बार हमारा रिजल्ट आने वाला परीक्षा है? हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जो आए वो अच्छी तरीके से, परीक्षा हमारी कैंसिल ना हो, क्योंकि जो छात्र दोषी है केवल उनको सजा दिया है, निर्दोष बच्चियों के साथ न्याय हो, न्याय हो तो हमारा और हमारी परीक्षाएं निरस्त ना हो। बस हम बीसी एसटीएफ से यही चाहते हैं कि हमारी परीक्षा निरस्त ना हो और जल्द से जल्द हमारी परीक्षा प्रैक्टिकल परीक्षा कराई जाए और उनका रिजल्ट जल्दी हमें दिया जाए। जी भाई जी मेरा नाम रविकांत है और मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो 4 बार हमारी परीक्षाएं जैसे बार बार डेट शीट आई और वो कैंसिल कर दी गई, हम लोगों ने धरना दे दे के तो यहाँ पे जैसे डेट शीट लगवा पाई। अब जब डेट शीट लगी है तो उसके बाद हुआ क्या है कि 27 तारीख जब हमारा लास्ट पेपर था तो उस दिन हमारे क्या हुआ कि पता पड़ा कि ये पकड़ में आ गई है कि कॉपियाँ चेंज हुई। अगर ऐसी कोई बात है तो केवल उन्हीं को दोषी ठहराया जाए जो कि भाई इसमें संलिप्त हैं, और फिर सबके साथ अगर होगा तो कहीं ना कहीं एक मेंटली टायर्ड हो रहे हैं सब लोग और परेशान हो रहे हैं, मेंटली हैरेस हो रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी को इस चीज़ में सोचना चाहिए, बीसी को सोचना चाहिए, कंट्रोलर सोचना चाहिए और एसटीएफ टीम को भी सोचना चाहिए कि इसके लिए हमारे में हम लोगों की केवल मांग यही है कि हमारे प्रैक्टिकल की डेट जल्दी जल्दी अनाउंस कर दी जाए और प्रैक्टिकल हमारे जल्दी हो और दोषियों पकड़ा जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर जैसे बाद में हमारी जो प्रक्रिया है वो चलती रहे प्रैक्टिकल की, जिससे हमारे प्रैक्टिकल भी हो जाए समय से, और अगर जैसे अगर वो जो भी दोषी पाए जाए उनका रिजल्ट रोक दिया जाए, जो जो भी आगे प्रक्रिया जो भी उनका हो वो अपना करें, लेकिन कम से कम हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जी आप देख सकते हैं कि परीक्षा कराने को लेकर कई बार यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और आखिरकार परीक्षा कराने में ये लोग सफल हुए, लेकिन वही ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद जो है परीक्षा निरस्त करने की बात कही जा रही है लेकिन अभी तक निरस्त नहीं हुई है। एसटीएफ की जांच के बाद ये मालूम होगा कि आपकी परीक्षा निरस्त होगी या फिर जो है प्रैक्टिकल की डेटें जारी की जाएंगी। जी भाई किस तरीके से आपने तैयारी की परीक्षा की और कितना समय हो गया आपको यहाँ बीएमएस करते हैं? हम लोग बीएमएस
थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, नाम है हमारा अतुल कुमार, यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी के रूप में प्रतिवाद किया गया है। जैसा कि सबने बताया है कि हम लोग की जो यूनिवर्सिटी है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वो अकॉर्डिंग एग्जाम एक तो डिले करा रही थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा धरना दिया, एग्जाम भी अच्छे से हो गए, बहुत अच्छी तैयारी रही। यहाँ जितने भी स्टूडेंट आए हैं अकॉर्डिंग टू सभी स्टूडेंट, 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे से एग्जाम दिया, सभी के एग्जाम में तैयारी बहुत अच्छी हुई, एग्जाम भी बहुत अच्छा गया। लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, जो कुछ दलाल या फिर ऐसा हम लोग अपने वर्डों में कह सकते हैं, उनकी वजह से 2-3 बच्चों की कॉपियां पकड़ी गई और जिसकी वजह से सारा स्टूडेंट को ब्लेम लगाया जा रहा है, जिसके द्वारा हम लोगों ने बता दूं 403 कॉपियां जो है अदला बदली में जी, हम ये बात आपकी समझ सकते हैं, लेकिन जिसके द्वारा हम लोगों ने ये पकड़ा, ये देखा हम लोगों ने कि आज हम लोग सभी बच्चे यहाँ, सभी कॉलेजों के स्टूडेंट यहाँ पे एकत्रित हुए और हम लोगों ने एक अप्लीकेशन दिया जिसमें वाइस चांसलर, चांसलर और एसटीएफ के भी कुछ लोग हमको सांत्वना दी है कि हम आपकी परीक्षा निरस्त नहीं करेंगे, लेकिन जिसमें या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और हमारे द्वारा भी यही कहा गया है कि आप उनके तरीके से जो भी हो सके वो कार्रवाई करें, हमारे द्वारा कोई भी आपके प्रति कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो भी निर्णय होगा हम उसका सम्मान करते थे हैं और हमेशा करते रहेंगे। जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र उन्होंने साफ कह दिया कि हम खुद चाहते हैं कि ऐसे आरोपी पकड़े जाएं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वहीं अगर जो छात्र हैं जो निर्दोष है और किसी तरीके से इस मामले में संलिप्त नहीं है, ऐसे छात्रों के लिए जो है विश्वविद्यालय को सोचने की जरूरत है। जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं हिमांशु पांडे जी, सबसे पहले तो ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा सबसे पहली बड़ी गलती हुई कि हमारी कॉपियों के साथ छेड़छाड़ की गई, इसमें कॉपियों के साथ छेड़छाड़ की गई तो इसमें किसी भी विद्यार्थी की कोई गलती नहीं है, ये पूरे तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। तो हम जितने भी विद्यार्थी हैं उनको इस चीज़ों को लेकर के प्रताड़ित ना किया जाए और हमारा जो भी भविष्य है शुरू से ही अंधकार में रहा है, 4.5 ईयर का जो कोर्स है उसको 6-6, 7-7 साल में कराया जा रहा है। आपको कितना साल हो गया? हमें यहाँ पे हो गए 3.5 साल। मैं 18-19 बैच का। कौन सी ईयर की परीक्षा हुई आपकी? अभी सेकंड ईयर का बैक पेपर दिया मैंने, थर्ड ईयर का वो भी फ्रेश नहीं हुआ। जी तो आपको लगता है कि काफी समय लग रहा है यहाँ विश्वविद्यालय में? अगर काफी समय लग रहा है, बहुत काफी दिक्कतें भी, बहुत दिक्कतें आ रही हैं शुरू से लेके हम लोग अभी तक मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं और उसके बाद भी परीक्षा देने के बाद भी एक तो पूरी रात जगो पढ़ो, उसके बाद भी मेहनत तो करनी, मेहनत बहुत करनी। भाई आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं अभिषेक कटियार, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो दोषी है ना उनको सजा दी जाए, बाकी जो निर्दोष है उनको क्यों प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है? वैसे भी सेशन लेट चल रहा है, प्रॉपर तरीके से देखा जाए जो हमारे सुपर सीनियर है उनका तो इंटेंसिव होना चाहिए, और आज इतना सेशन लेट होगा तो हम कैसे डॉक्टर बनेंगे भविष्य में? इतनी सारी कमियां हैं कि यूनिवर्सिटी कमियां, तो उनको दूर करना चाहिए कि जाके, और दोषी है उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और हमारी परीक्षा यही निरंतर से वही है कि जल्दी से जल्दी हमारे प्रयोगों की परीक्षा कराई जाए। ब्रेड का आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्रों से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो है प्रयोगात्मक परीक्षा, जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती है उनकी डेट को जारी किया जाए। वही मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि आखिर छात्रों का क्या दोष है, विश्वविद्यालय अधिकारी को इस मामले में गंभीरता से जांच करके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ जो छात्र इन मामले में संलिप्त नहीं है उनकी जो है परिणाम को घोषित करना चाहिए, साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल की जो डेट है वो जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। हम आपको बता दें कि विश्वविद्यालय अधिकारियों से इन लोगों की बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन छात्रों की परीक्षाएं जो है वो निरस्त नहीं की जाएंगी। अगर संलिप्तता नहीं पाई जाती है, अगर संलिप्तता पाई जाती है तो ऐसे छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। लाइव एक्सेस के लिए हैदर अली की रिपोर्ट, आगरा।